इंडिया अपने तीन बड़े कानून को ऑलमोस्ट स्क्रैप ऑफ करके उनकी जगह पे नए कानून ला रहा है और ये तीन नए कानून असेंबली में पेश कर दिए गए। इन तीनों कानून को नाम दिया गया है भारतीय न्याय संहिता, मतलब इंडियन जस्टिस कोड, जो रिप्लेस करेगा इंडियन पिनल कोड 1860 को। दूसरा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मतलब इंडियन पीपल सेफ्टी प्रोटेक्शन कोड, जो रिप्लेस करेगा क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1898 को। और तीसरे बिल को नाम दिया गया है भारतीय साक्ष्य 2023, जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करेगा। अमित शाह जो होम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने ये बिल पेश किए और इनको पेश करने की सबसे बड़ी मंतक ये बताई गई है कि वो तीनों कानून कॉलोनियल एरा यानी अंग्रेज़ों के ज़माने के बने हुए थे और उनमें अब भी स्लेवरी का आंसर पाया जाता है। इन बिल्स के जरिए 1313 अमेंडमेंट्स की जा रही हैं। ये अमेंडमेंट्स इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पूरे तरीके से चेंज कर सकती हैं। मॉब लिंचिंग में मुलविज अफराद को सजाए मौत, खवातीन के साथ ज्यादती करने वालों को 10 साल की सज़ा होगी, गद्दारी के कानून को ख़त्म कर दिया गया है। इन लेजिस्लेशंस के मुताबिक धोखे से किसी और के साथ जिंसी ताल्लुक रखने वाले को एक अलग जुर्म की कैटेगरी में शामिल किया है। रेप की सूरत में औरत का वीडियो बयान रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। गैंग रेप में मुलविस अफराद को 20 साल की सज़ा होगी। ट्रायल की एक टाइमलाइन फिक्स होगी, जैसे जल्दी से इन केसेस को निपटा कर मुजरमों को सज़ा दी जा सके और इंसाफ मिलने में देर ना हो। कम्युनिटी सर्विसेज की तश्कील भी दी गई है, जिसमें वो केसेस भेजे जाएंगे जो छोटे मोटे झगड़ों की वजह से होते हैं। मोदी सरकार ने पूरी कोशिश की है इंडियन आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाए, जिसकी वजह से मोदी सरकार को इंडिया में काफ़ी पॉपुलैरिटी भी मिली है और इसी आइडेंटिटी को उजागर रखने वाली पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान में उसके मदा मौजूद हैं जो उसकी फॉरेन पॉलिसी की तारीफ कर चुके हैं। मोदी सरकार ने इंडिया की किताबों में कॉलोनियल हिस्ट्री की सारी अलामतों, साइंस और साइंबल्स को ख़त्म करवा दिया है। इसी मोदी सरकार ने हाल ही में पार्लियामेंट की बिल्डिंग दोबारा कंस्ट्रक्ट करवाई ताकि ओल्ड कॉलोनियल आर्किटेक्चर से जान छूटे। और जिस दिन क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई थी, उसी दिन मोदी सरकार किंग जॉर्ज 5 का मुजस्मा हटा के सुभाष चंद्र बोस का मुजस्मा ला रही थी। सुभाष चंद्र बोस वो हैं जिन्होंने नाजी जर्मनी से ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से जान छुड़ाने के लिए मदद की अपील की थी। बट मोदी सरकार इंडिया की आइडेंटिटी को हिंदू आइडेंटिटी से मिक्स करने के चक्कर में भी है। इसका मतलब इंडिया ब्रिटिश आइडेंटिटी से जान छुड़ाकर अपनी आइडेंटिटी से फिर हट के एक हिंदू आइडेंटिटी को एडॉप्ट कर लेगा। मतलब फ़ायदा कोई नहीं इस सब का, जब तक बीजेपी या मोदी है।